नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 25 जुलाई 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर आपने जो फोकस अप्रोच लेकर आए हैं, चीज़ों को अपनी स्थिरता के हिसाब से आगे लेकर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपके जीवन में है, काबिले तारीफ है ये सिचुएशन, ये अवस्था, ये परिस्थिति। इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ चलते चलिए, आपको आज का दिन कुछ ना कुछ एक इंट्रोस्पेक्टिव व्यू देकर जरूर जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में आप ऑलरेडी चल रहे हैं, जहां पर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे विस्तार के साथ मूव कर रही हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रेवलेशंस, कुछ अच्छी परिस्थितियां, इंफॉर्मेशन, सूचना, सिग्नल आ रहा है जो आपकी सिचुएशंस को, परिस्थितियों को, अवस्थाओं को और ज़्यादा मजबूत करेगा। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अपने आप से दूर करने का साबित हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन ऑन एंड ऑफ आपको रेस्टलेसनेस, तनाव, एंग्जाइटी या स्ट्रेस देकर जा सकता है। डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, तो उसको आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही कोई निजी समस्या भी आज के दिन किसी स्थिरता के, ठहराव के या किसी एक सोल्यूशन मोड में आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी अब दूर होंगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। पार्टनर के साथ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, तो वो सिचुएशन आज के दिन आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक परिस्थिति को, नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर रखें। सिचुएशंस को अपने काबू में लाने के लिए, पूर्ण स्थिरता लाने के लिए अध्यात्म का सहारा, योगा, मेडिटेशन या ऑल्टरनेटिव स्टफ पर आप ध्यान दे सकते हैं, जो आपकी परिस्थिति को बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ करके जा सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। निवेश करने के जो लोग इच्छुक हैं या खासतौर पे वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और उसके बाद निवेश करना चाहते हैं, वो परिस्थिति आज के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपके पास कोई बहुत बेहतरीन डील मिल सकती है, जिस पर अगर आप काबू पाएंगे या उसको कंट्रोल करेंगे या नेगोशिएट करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन ठहराव के साथ चीज़ों को अध्ययन करने का, सोच के, समझ कर, विदाउट एनी एक्सटर्नल मेंटल प्रेशर को लिए हुए चीज़ों को एड्रेस करने का है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विस्तार के आयाम तो बनते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ वर्क प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। कुछ एडेड सर्टिफिकेशन या एडेड क्वालिफिकेशन या कुछ अपने रेज्यूमे एनहैंसमेंट की तरफ अगर आप सोच रहे हैं, तो वो परिस्थिति लंबे समय से अगर सोच रहे थे, अब कहीं ना कहीं कारगर होती हुई, कामयाब होती हुई नज़र आपको आएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा कारगर, लाभदायक या आपके लिए शुभ संकेत या शुभता का प्रतीक साबित हो सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपकी परिस्थितियों को और ज़्यादा अनुकूल, मजबूत बनाकर जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, तो वो परिस्थिति भी बस अब आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। कुछ ना कुछ आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी रेजोल्यूशन के मोड में आती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपका मन शांत होगा और परिस्थितियां अनुकूल होंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक अगर सिचुएशंस को मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे आप काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के लिए खड़े हो सकते हैं या उनको कोई बहुमूल्य राय दे सकते हैं, जिसको अगर वो फॉलो करेंगे तो उनकी सिचुएशंस, अवस्था, परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई अंतर्द्वंद, पारिवारिक अंतर्द्वंद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी सिचुएशंस को और ज़्यादा लाभदायक या कंप्लीटनेस के साथ कुछ ना कुछ शुभ इंडिकेशन भी दे सकता है। कहने का मतलब, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपके लिए एट द एंड ऑफ इट कुछ बेनिफिशियल या कुछ परिस्थिति जो लाभदायक हो आपके जीवन में देकर, कोई एक एक्सपीरियंस या सूचना देकर जा सकती है।
बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर पे अगर आप बीपी संबंधित रोगों से जूझ रहे हैं तो आपको वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कामकाज में लॉन्ग डे हो सकता है, हेक्टिक डे हो सकता है, सिचुएशंस को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। चीज़ों को आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि सिचुएशंस या परिस्थिति या अवस्थाएँ आप अपने मन में अपनी परिस्थितियों को एकत्रित करके स्ट्रांग विल पावर के साथ आगे बढ़िए, जिससे कि कंट्रोल आप बेहतरीन तरीके से बना पाएं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन शांत रहेगा, सामान्यता आज का दिन जाएगा। कुछ विशेष उतार चढ़ाव देखने की, परखने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है, सिचुएशंस काफ़ी लाभदायक हैं आपके लिए। संपूर्णता या पॉजिटिविटी ऑलरेडी इंडिकेटेड है। आपको कुछ ना कुछ आज के दिन नया प्लान करने की ज़रूरत है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, परिस्थितियाँ अनुकूल होती हुई। शुभता आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है, अब उसको आपको रियलाइज़ करने की देरी है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको अध्यात्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देकर जा सकता है। एडेड क्वालिफिकेशन आप कर सकते हैं, डीप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं, एडेड कोई स्टफ़ अपनी निजी जीवन में आप ऐड कर सकते हैं, जो कि कुछ अध्यात्म से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या कामकाज को और परिस्थिति को मजबूत कराने से रिलेटेड हो सकता है, जो आपकी सिचुएशंस को और ज़्यादा लाभदायक या मजबूत बनाकर जाएगा। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप किसी वाहन को खरीदने के इच्छुक थे तो वो परिस्थिति भी अब आपके लिए कारगर, साझा या पॉजिटिविटी का प्रतीक हो सकती है, या सिचुएशंस आपके फेवर में आ सकती हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अपनी आशंकाओं पर काबू पाने का है। आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ने का है। आज का दिन अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर रखिए, पॉजिटिव बने रहिए। सूचना, संकेत, परिस्थितियाँ, अवस्थाओं में चेंज आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगी, मन आपका शांत रहेगा। कोई बहुमूल्य राय आपको अपने घर का कोई वृद्धतम सदस्य या आपका मेंटोर दे सकता है, जो आपकी परिस्थिति को काफ़ी ज़्यादा लाभदायक बना सकता है। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, पर कैसे आपको बैलेंस बनाना है, किस तरह से इक्वेशंस को सेट करनी है, वो आज के दिन आपके लिए थोड़ा सा टफ डिसीजन हो सकता है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।